ये रोड पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की है, एमसीडी इस पे ठेका नहीं दे सकती। ये तो चलती हुई रोड है, आप यहाँ पे ऑथराइज पार्किंग दे कैसे सकते हैं? अगर इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है, मैं रिटन कंप्लेंट फाइल करूंगी, और सिर्फ कंप्लेंट नहीं दूंगी, मैं इस इशू को ऊपर तक लेके जाऊंगी, मैं मेयर को दूंगी, मैं कमिश्नर को दूंगी, मैं LG ऑफिस में भी इसकी कॉपी दूंगी, मैं हर जगह जहाँ भी CM को भी दूंगी। इस इशू को मैं पूरी तरह आखिर तक लेके जाऊंगी। पब्लिक को कब तक इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाएगा? यहाँ के नुमाइंदे चुपचाप अपने घरों में बैठे हुए हैं, बस अपने फायदे के लिए बाहर निकलते हैं और फिर जाके घरों में बैठ जाते हैं। पब्लिक को पुलिस खा जाए, पब्लिक को लूट मार जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अमानतुल्लाह को 5 लाख रुपए महीना जाते हैं। आसिफ भाई, आप एग्जैक्ट अमाउंट भी बता देते हैं, 5 लाख, अमानतुल्लाह 5 लाख, वाजिद 5 लाख, ही कैसे मालूम चल जाता है? आपके हर इल्जाम में दुनिया की जितनी बुराई हो शाहीन बाग में, अमानतुल्लाह को आप जरूर शामिल करते हैं। हर बुराई की जड़ जो है अमानतुल्लाह है। यहाँ भी पता नहीं आपके पास प्रूफ है नहीं है, यहाँ भी आपने अमानतुल्लाह को शामिल कर दिया कि पुलिस मुझे अमानतुल्लाह ना समझे। फिर सुन लीजिए, आप कहेंगे अमानतुल्लाह पे बात लाई, उसे बकरी बना दिया, घर में घुसा दिया है। आसिफ को इसीलिए बार बार अरेस्ट किया जा रहा है कि आसिफ खामोश होके घर में बैठ जाए। मेरे लिए, मेरा एक विधायक साहब के लिए भी मैसेज है, अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप आइए मेरे साथ ये लड़ाई लड़िए, आप आइए मेरे साथ यहाँ खड़े होकर इस मुद्दे को हाईलाइट करिए, इस पर मेरे साथ आवाज़ उठाइए। और अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप अभी भी आके इस बात पर मुद्दा नहीं उठाएंगे। अभी आप दो लोगों को यहाँ लड़ाई झगड़ा करवा दीजिए और कोई एक फ़ोन मिला दीजिए लोकल थाने में, 2 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ खड़ी होगी। एक फ़ोन मिला दिए, समर सेवल हो रहा है कहीं, वहाँ 2 मिनट के अंदर पुलिस पहुँच जाएगी। किसी का लेंटर डल रहा होगा, वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी। दुकानदार से कस्टमर की बहसा-बहसी अगर प्राइस पे हो जाएगी, वहाँ पहुँच जाएगी पुलिस। और जब तक उनसे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार नहीं लेगी, पुलिस उनकी जान नहीं छोड़ेगा। लोगों ने मुझे चुना है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं भी नहीं आवाज़ उठाऊंगी तो कौन उठाएगा लोगों के लिए आवाज़? विधायक साहब को ऑफिस यहीं आगे कोने पर है, वो इतना अनजान कैसे हो सकते हैं कि उनके एरिया में, उनके विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा एरिया है, लेकिन उनके ऑफिस के 10 कदम पे क्या चल रहा है उन्हें ये मालूमात नहीं है? देखिए, मैं नहीं हूँगा तो मेरी बेटी अरीबा, इसी में वो खून है, ये भी वही लड़ाई लड़ेगी इंशाल्लाह, हम कहीं झुकने वाले नहीं। दोस्तों, अभी मैं शाहीन बाग में हूँ। शाहीन बाग में आप जानते हैं जो एक रोड थी, मेन शहीदा विहार रोड जो कहलाती है, जिसपे प्रोटेस्ट हुआ करता था, वहाँ पे बहुत सारे शोरूम खुले हुए, ये भी आपको मालूम है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी कि यहाँ पे पार्किंग का चार्ज लगने लगा है। सालों तक लोग यहाँ फ्री पे अपनी कार लगाते रहे, बाइक लगाते रहे, लेकिन कुछ महीने पहले यहाँ पे पार्किंग का चार्ज लगने लगा। शाहीन बाग में बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं, वो भी यहाँ कार लगाते थे, जो लोग मार्केटिंग करने आते हैं वो भी कार लगाते थे, और पार्किंग का चार्ज लगना शुरू हो गया। लेकिन आज ओखला के पूर्व मिले आसिफ मोहम्मद खान ने ये कह के तहलका मचा दिया कि अब तक जो आप लोगों ने पार्किंग का पैसा दिया है वो एक फ्रॉड है, कुछ लोग फ्रॉड करके गलत तरीके से आपसे पार्किंग का पैसा ले रहे थे, ये कोई भी जायज़ तरीके से नहीं। दिल्ली में बहुत जगह आप जानते हैं पार्किंग के पैसे लगते हैं, लेकिन इनके मुताबिक यहाँ पे जो पार्किंग का पैसा ले रहे थे वो कुछ लोग फ्रॉड कर रहे थे, और इस फ्रॉड की वजह से आपका लाखों रुपया अब तक बर्बाद हो चुका है। कैसे अचानक आपको लगा कि फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग? देखिए, मैं आपको पता है, मैं 2 बार निगम पार्षद रहा हूँ, 2 बार MLA, अब मेरी बेटी अरीबा खान भी यहाँ खड़ी है, वो भी निगम पार्षद है। हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम हम अपने वार्ड में जो भी गलत काम हो रहे हैं और जो गलत उगाइयाँ हो रही हैं उनको हमारी रोकना हमारी प्रायोरिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। आज मैं बात ये नहीं है कि मैं, मेरी बेटी काउंसलर है, मैं XML हूँ, एक्स काउंसलर हूँ। हर वो आदमी जो यहाँ पार्किंग लगाएगा उसकी स्लिप काटी जाएगी, उसकी उसको ये राइट है कि वो ये जानना चाहेगा कि ये किसकी पार्किंग है, MCD की ऑथराइज पार्किंग है या यहाँ गुड्डे वसूली कर रहे हैं। मैंने अपना स्कूटर, ये नंबर आप देखिए, 51914 5194, जो मेरे नाम से अपने स्कूटर है, मैंने स्कूटर पार्किंग पे लगाया, उसने ये स्लिप काटी मेरी, जिस स्लिप पे कोई तो ना लाइसेंस नंबर है, ना किसी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है, कोई किसी तरह की कोई डिटेल नहीं है। उसने उससे 20 रुपये लिए, मैंने स्लिप काट के जेब में रखी। MCD की ये गाइडलाइंस हैं, 2-3 में मोटी मोटी बात बता दूँ कि जो भी MCD पार्किंग देगी वहाँ जगह जगह MCD के बोर्ड लगे हो, कॉन्ट्रैक्टर के बोर्ड लगे होने चाहिए, जिन पे तमाम डिटेल लिखी होनी चाहिए। मैंने फौरन, आप पीछे अगर दिखाएंगे या आगे दिखाएंगे, नीले रंग के बोर्ड लगे हुए हैं डिटेल पे, उस पर 2 नंबर लिखे हुए हैं, ठेके का नंबर है अभय कुमार सिंह, और 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, मैंने उन पे मोबाइल पे मिलाया कि ये तेरा है शाहीन बाग की रोड का ठेका, क्या तुम्हारे पास है? बोला नहीं, मेरे पास नहीं है। पहली बात, जो डिटेल लिखी हुई है बोर्ड पे,
जब उस पर नंबर ही फर्जी लिखे हुए हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये लीगल उगाई है? इस पर्ची पे कैसे अभी तक डिटेल नहीं है? मेरा ये मानना है कि ये पिछले 1.5 साल से जब वाजिद यहाँ अब्दुल वाजिद जो थे काउंसलर थे, अमानतुल्ला MLA थे, वाजिद तो हट गए, उनके टाइम से ये उगाई शुरू हुई है। और मेरा ये मानना है कि कम से कम 25 से 30 लाख रुपये महीने की यहाँ पर गुंडे 2 नंबर से शाहीन बाग के लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। और वो पैसा मैं बिल्कुल ब्लैटली कहना चाहता हूँ, जो हमेशा कहता रहा हूँ, इसमें ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व है, इसमें MCD का इंस्पेक्टर, लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर अरीबा कॉरपोरेशन की मेंबर है, फिर भी ये हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि MCD का इंस्पेक्टर, लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व है, शाहीन बाग थाने को 5 लाख रुपए महीना जाते हैं। पवन कुमार को उसने जैसे ही मैंने कटवाई तो उसने पवन कुमार जो इंस्पेक्टर है उसकी धमकी दी कि मैं उन्हें फ़ोन करने जा रहा हूँ। मैंने कहा तू बुला ले पवन कुमार को, उससे ही पहले निमट लेते हैं। और आपने खुद पवन कुमार से बात की कि ये लोग जो है वो नहीं नहीं आप सुनिए बात, हमने और अमानतुल्ला को 5 लाख रुपये महीना जाते हैं। आप ये कहेंगे कि आप अमानतुल्ला पहली के खिलाफ बात, रुके मैं बिल्कुल कहूंगा, आपके हर इल्ज़ाम में दुनिया की जितनी बुराई हो शाहीन बाग में अमानतुल्ला को आप ज़रूर शामिल करते हैं। हर बुराई की जड़ जो है अमानतुल्ला है। यहाँ भी पता नहीं आपके पास प्रूफ है नहीं है, यहाँ भी आपने अमानतुल्ला को शामिल कर दिया। मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनका काउंसलर, उनका MLA था, ये उगाही 2 नंबर से हो रही है, उन्हें 1.5 साल से कैसे नहीं पता? हो सकता है उसको लगता हो कि हो रही नहीं, इसका मतलब वो अहल ही नहीं है MLA बनने का। ये रोड PWD दिल्ली सरकार की है, MCD इस पर ठेका नहीं दे सकती। जिस एजेंसी की लैंड है वही ठेका दे सकती है। लेकिन अमानतुल्ला को कैसे नहीं पता था कि PWD की रोड है और ये हाईवे है? हाईवे पे आपको पता होना चाहिए और यही कोने पे ऑफिस है। ये कनेक्टिविटी 2 स्टेटों की कनेक्टिविटी है। इस ठेके से पहले रोज ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियां उठा के लेके जाते थे, चालान आप दुकानदारों से पूछ लीजिए। जिस दिन से ये ठेका छूटा है, ना तो लोकल पुलिस आ रही है ना ट्रैफिक पुलिस वाले आ रहे, इसका मतलब लोकल पुलिस इन्वॉल्व है। इसमें ACP सरिता सुखदेव विहार इन्वॉल्व है, पवन कुमार इन्वॉल्व है, ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व है, अमानतुल्ला इन्वॉल्व है। अगर MCD वालों की गलती होगी, हम किसी कीमत पर भी उनको नहीं बख्शेंगे, क्योंकि MCD की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ज़्यादा बनती है। और अगर ये वो ये कहते हैं, मैंने अभी किसी को वो अगर ये कह दे आसिफ भाई कि नहीं नहीं ये सही है, हो सकता है नाम गलती हो लेकिन ये सही है, हम लोग सही तरीके से ले रहे हैं। देखिए हमने उससे ये कहा है, अभी हमने उसे नहीं बताया कि क्या घपला चल रहा है। हमने कहा अब वो आएगा, हम उससे कहेंगे कि पार्किंग की जितनी गाइडलाइंस हैं तुम्हारे पास, किन की शराइत पे आप देते हैं, किन रोडों पे देते हैं, आप डिटेल लेकर आइए। अगर MCD ने गलत दी है तो MCD के इंस्पेक्टर, MCD के लोग जो भी इन्वॉल्व हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको हम कह रहे हैं, हम अगर MCD ने दिया है, देखिए अभी मैंने यहाँ 5 लोग उगाही कर रहे हैं, पोल बटे हुए हैं, मैंने उनसे कहा कौन आपसे पैसे लेता है, वो कहता है कि हमें 2-2, 3-3 पोल दे रखे हैं, शाम को एक आदमी आता है वो हमसे पैसे लेके चला जाता है। हमने कहा उसको फ़ोन मिलाओ, तो उसने, मैंने कहा कि भाई आप पेपर दिखाओ, तो उसने कहा कि मैं कल परसों में आपको पेपर दिखा दूंगा। मैंने कहा हमें आज ही चाहिए, नहीं आया। 6 कॉल हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, एक भी शाहीन बाग का थाना यहाँ से 100 मीटर पर है, पिकेट 50 मीटर पर है, अगर ज़रा सा किसी से टच हो जाता है जहाँ उगाही का मामला होता है, 1 मिनट में पवन कुमार यहाँ भेज देता है, है ना। अगर किसी की रोड ही बदरपुर होगी, 5 मिनट में पुलिस आ जाती है, किसी की छत पड़ी होती है, एक चुनी हुई नुमाइंदा 6 बार 1.5 घंटे से रोजे में यहाँ खड़ी हुई है और लोकल पुलिस आने को तैयार नहीं है। आया है तो ये कह के चला गया कि हम कंफर्म कर लेंगे। अगर यही मामला दूसरा होता, अभी कंचन कुंज में ये शर्म विहार में बाउंड्री हो रही होती, तो 2 मिनट में कह देता कि झगड़े का प्लॉटें वहीं तय कर देता, कहता 5 लाख रुपये लगेंगे। लेकिन यहाँ ये कह के चला गया कि हम ठेकेदार से पूछ लेंगे, कह के, क्योंकि पवन कुमार 5 लाख रुपया लेता है ACP,
इस पार्किंग से। आसिफ भाई आप एग्जैक्ट अमाउंट भी बता देते हैं, 5 लाख, अमातुल्ला 5 लाख, वाजिद 5 लाख, ही कैसे अमाउंट चल जाता है आपको? देखिए आप शाम तक यहाँ से लेके 9 नंबर से नहर तक खड़े हो जाइए, आप खुद ये कहेंगे कि कम से कम 1 लाख रुपये रोज की यहाँ पर 2 नंबर में उगाई हो रही है। अगर 30 लाख रुपया महीना शाहीन बाग के लोगों से और दुकानदारों से 2 नंबर में उगाई हो रही है तो वो हिस्सा बांटी तो हो रही है ना। वो आप बता दिए किसके ऊपर 4 लाख जा रहे हैं, जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं सबको 5-5 लाख। दूसरी बात ये, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता, मैंने गलत बयानी दी, मैंने कहा अगर MCD ने ये ठेका दिया है हम उगाई नहीं रोकेंगे, लेकिन जिसने दिया है वो सस्पेंड होगा। है आपके हिसाब से आसिफ भाई यहाँ पे पार्किंग लग ही नहीं सकती है, कहना चाह रहे हैं अगर MCD ये कह दे कि नहीं नहीं मैंने सही लगाया तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये रोड PWD की आप लग ही नहीं सकती पार्किंग आप। मेरा ये कहना है कि हमारी प्रायोरिटी, हम तो चाह मेरे घर के आगे लोग लगा के चले जाते हैं, गलियों में लगाते हैं, मेरा ये काम, मेरा ये कहना है कि लोकल लोगों से तकरीबन 30 लाख रुपये रोज़ की मतलब महीने की उगाही हराम मौत में यहाँ के लोगों से लोग लेकर जा रहे हैं, तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती? 1.5 साल में वेरिफिकेशन पुलिस ने क्यों नहीं करा? अगर आप किसी किराएदार को रखते हैं, आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, आपका पुलिस आके आपको बंद कर देती है, चालान काट देती है, तो ये पार्किंग का वेरिफिकेशन लोकल पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं करवाया? और हमने आपसे एक बात कही थी कि पुलिस मुझे अमानतुल्ला ना समझे, फिर सुन लीजिए, आप कहेंगे अमानतुल्ला पे बात लाई, उसे बकरी बना दिया, घर में घुसा दिया है। आसिफ को इसलिए बार बार अरेस्ट किया जा रहा है कि आसिफ खामोश होके घर में बैठ जाए, इंशाल्लाह जितनी बार जेल से निकलेगा ना किसी कीमत पर भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के खिलाफ जुल्म, ज़ाती नाइंसाफ़ी, उगाही किसी कीमत पर नहीं होने देगी। मैं नहीं हूँगा तो मेरी बेटी अरीबा, इसी में वो खून है, ये भी वही लड़ाई लड़ेगी इंशाल्लाह, हम कहीं झुकने वाले नहीं। देखिए देखिए दोस्तों, एक ताज्जुब की बात ये है कि अरीबा काउंसलर है, ये काउंसलर को ही पता नहीं है कि ये इलीगल है या लीगल है, और जब काउंसलर ने फ़ोन किया 112 नंबर पे तो पुलिस काउंसलर का फ़ोन नहीं उठा रही है, वैसे वो उसे पता नहीं रहता फ़ोन कौन कर रहा है, काउंसलर कर रहा है कि एक आम आदमी कर रहा है। अरीबा मुझे एक चीज़ ये बताओ आप, जब एक काउंसलर का, वैसे तो उसमें लिखा नहीं होता काउंसलर फ़ोन कर रहा है या कौन कर रहा है, जब आपका फ़ोन पुलिस ने 6 मरतबा आपने कॉल किया पुलिस ने उठाया ही नहीं, आम आदमी को कैसे उम्मीद रही पुलिस मेरे कॉल पे आ जाएगी? देखिए आपने जो पहली बात कही कि मुझे मालूमात नहीं है, मैं अब काउंसलर बनी हूँ और मेरी ही मालूमात से ये इशू अब हाईलाइट हो रहा है, मुझसे पहले 1.5 साल से ये यहाँ पे चल रहा है मामला। ये तो आप पुराने काउंसलर के लिए कहिए कि उन्हें मालूम था भी या नहीं था या क्या मामला था। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए कितना फ्रॉड हो रहा है, एक काउंसलर है वो अभी अनजान है, लोग फ्रॉड कर रहे हैं, अगर वाकई में कर रहे हैं तो। देखिए मैं एक बात और कहूंगी, मान लीजिए ये सिर्फ काउंसलर होने की बात नहीं है, एक नॉर्मल आदमी यहाँ आ रहा है, अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है, पर्ची कटवा रहा है, किस बात के पैसे दे रहा है वो, जब ये लीगलाइज पार्किंग है ही नहीं। पुलिस को मैंने फ़ोन किया, मैंने 112 नंबर पे करीबन 7-8 कॉल्स करी जिसपे वो पहली दूसरी कॉल पे टालते रहे, मैंने मेंशन भी करा कॉल में कि मैं अरीबा आसिफ खान बात कर रही हूँ, शाहीनबाग की काउंसलर, और यहाँ पे इस तरीके से एक इशू हो रहा है, मुझे फ़ौरन आप लोकल थाने से पुलिस भेजिए शाहीनबाग थाने से। 1.5 घंटा हो गया है मुझे यहाँ खड़े हुए, जब काउंसलर की बात भी नहीं मान रही है पुलिस, तो आप सोच लीजिए कि पुलिस का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है और नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि थाने में कॉल नहीं गई होगी, बिल्कुल गई होगी थाने में कॉल, वहाँ से कोई आने को क्यों तैयार नहीं था, क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि हम एलिगेशन लगा रहे हैं पुलिस इन्वॉल्वड है, तो अभी आप दो लोगों को यहाँ लड़ाई झगड़ा करवा दीजिए और कोई एक फ़ोन मिला दीजिए लोकल थाने में, 2 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ खड़ी होगी। एक फ़ोन मिला दिए, समर सेवल हो रहा है कहीं, वहाँ 2 मिनट के अंदर पुलिस पहुँच जाएगी, किसी का लेंटर डल रहा होगा वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी, दुकानदार से कस्टमर की बहसी अगर प्राइस पे हो जाएगी वहाँ पहुँच जाएगी पुलिस, और जब तक उनसे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार नहीं लेगी पुलिस उनकी जान नहीं छोड़ेगी। अरे मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो दुकानें लगाते हैं लोग ठेले पे, कहीं कहीं चौकी पे, कहीं कहीं इस पे लगाते ठीक है पे, सबसे पुलिस वाला पैसे लेता है, सब जानते हैं हम लोग, 500-1000 रुपये 500 रुपये लेता है, उस पुलिस वाले को तो मालूम होगा ना कि ये वाला इलीगल है या नहीं है, उससे किसी से बात हुई आपकी? बिल्कुल, देखिए अभी जो आए थे 1.5 घंटे बाद एक आए थाने से यहाँ पर, तो वो भी 5 मिनट हबड़ तबड़ में ये कह के निकल गए कि हम वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे आप वही बात के 1.5 साल से आपको इल्म नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है, विधायक साहब का ऑफिस यहीं आगे कोने पर है, वो इतना अनजान कैसे हो सकते हैं कि उनके एरिया में, उनके विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा एरिया है लेकिन उनके ऑफिस के 10 कदम पे क्या चल रहा है उन्हें ये मालूमात नहीं है? जब ये शुरू हुई थी
तो मैंने जो बच्चे वसूली करते हैं उनसे एक दो का इंटरव्यू भी किया था। तो मुझे ये बताइए, आपको आज ही मालूम चला ऐसा कुछ है या आपको शक था पहले से कुछ हो रहा है और आज आप लोग फोन में आए? देखिए ऑफ कोर्स चीज़ें एक एक करके ध्यान में आ रही हैं, तो आज क्योंकि वालिद साहब यहाँ आए थे और ये चीज़ हमने पर्सनली एक्सपीरियंस करी, इस पर फ़ौरन एक्शन लेने का डिसीजन लिया गया। और ये जैसे कि अभी आपके इल्म में लाई गई ये बात, 1.5 साल पहले ट्रैफिक पुलिस लगातार यहाँ चलान काटती थी गाड़ियों के। अगर ये MCD की ऑफिशियल पार्किंग दी गई है तो ये तो वैसे भी टेक्निकली गलत है, जब PWD की रोड है, हाईवे कनेक्टिविटी वाली रोड है, और ये कोई मार्केट तो है नहीं वैसे कि लाजपत नगर मार्केट है कि आपने यहाँ पार्किंग बना दी है। ये तो चलती हुई रोड है, आप यहाँ पे ऑथराइज पार्किंग दे कैसे सकते हैं? अगर इसके लिए MCD जिम्मेदार है, मैं रिटन कंप्लेंट फाइल करूँगी, और सिर्फ कंप्लेंट नहीं दूँगी, मैं इस इशू को ऊपर तक लेके जाऊँगी, मैं मेयर को दूँगी, मैं कमिश्नर को दूँगी, मैं LG ऑफिस में भी इसकी कॉपी दूँगी, मैं हर जगह जहाँ भी CM को भी दूँगी। इस इशू को मैं पूरी तरह आखिर तक लेके जाऊँगी। पब्लिक को कब तक इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाएगा? यहाँ के नुमाइंदे चुपचाप अपने घरों में बैठे हुए हैं, बस अपने फ़ायदे के लिए बाहर निकलते हैं और फिर जाके घरों में बैठ जाते हैं। पब्लिक को पुलिस खा जाए, पब्लिक को लूट मार जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने मुझे चुना है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं भी नहीं आवाज़ उठाऊँगी तो कौन उठाएगा लोगों के लिए आवाज़? हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे, किसी कीमत पर भी हम 2 नंबर में वसूली नहीं होने देंगे। चाहे पुलिस को एक ये हथियार है कि अरेस्ट कर लेंगे, तो हम उनमें से तो है नहीं, है ना, फिर जाने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हौसला हमारा पस्त नहीं होगा। पुलिस क्या चाहती है कि आसिफ पे इतना केस लगा दो, इतना डरा दो, इतनी बार जेल डाल दो कि अमानतुल्ला बना दो इसको। आसिफ अमानतुल्ला बनने वाला नहीं है, आसिफ ना किसी पे। अभी ये कल परसों में आ जाएंगे मेरे पास कि जी इतने रुपये महीना ले लो, हमें लगाने दो। अभी आपने कहा कि वो आ जाएंगे हमारे पास पैसे वैसे लेकर मनाने के लिए, तो कितने पैसे लेकर आएंगे तो मानेंगे आप? देखिए आप मेरी आदत जानते हैं, मेरी आप आदत जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमेशा। मैं तो कहता हूँ कि असल जिहाद हम करते हैं। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे जुल्म ज़्यादती करिए, जिहाद का मतलब ये है कि आप इंसाफ और हक़ की लड़ाई लड़िए। रमज़ान का महीना है, अगर आप हक़ और इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ते, आप रोज़ा रखें, नमाज रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आम लोगों पे जुल्म ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर आप आवाज़ नहीं बन सकते तो नालत है आपके ऊपर। हम कम से कम आवाज़ बनेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कल से ये पार्किंग बंद हो जाएगी, फिर आपको ये बात कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर MCD वालों की गलती है तो MCD वालों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो भी इस पे कार्रवाई होगी, उसको प्रॉपर तरीके से मैं आगे तक लेके जाऊंगी। कल भी हमारा हाउस है, चाहे मुझे हाउस में ये मुद्दा उठाना पड़े या जो भी अधिकारी हैं उनसे मुझे बात करनी पड़े, DC से मिलना पड़े या MCD के कमिश्नर से मिलना पड़े, मेयर से बात करनी पड़े, अगर MCD इसमें इन्वॉल्व है तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ वार्ड 188 की काउंसलर होने के नाते कि मैं इस पर पूरी कार्रवाई करूँगी आखिर तक। और 1% अगर इसमें MCD इन्वॉल्व नहीं है और ये फॉर्जरी का मामला है, ये फेक MCD के नाम पे कोई और चला रहा है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पे भी पूरी जांच करी जाएगी कि यहाँ के नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, विधायक साहब इन्वॉल्व हैं। और अगर मेरे लिए, मेरा एक विधायक साहब के लिए भी मैसेज है, अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप आइए मेरे साथ ये लड़ाई लड़िए, आप आइए मेरे साथ यहाँ खड़े होकर इस मुद्दे को हाईलाइट करिए, इस पर मेरे साथ आवाज़ उठाइए। और अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप अभी भी आके इस बात पर मुद्दा नहीं उठाएंगे। दूसरी बात, PWD की रोड है, कोई मार्केट प्लेस वैसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि MCD की पार्किंग अलाउड ही नहीं है। अगर ये दूसरे तरीके से, अवैध तरीके से ये इशू चल रहा है, मैं इसको भी आखिर तक अंजाम तक लेके जाऊँगी। अरिबाग जी, मुझे ये बताइए, इत्तेफाक है कि आसिफ साहब इधर आ जाएंगे, आपके अबू इधर आ गए, उन्होंने पार्किंग की, उनको पता चल गया, अगर ये इधर नहीं आते इत्तेफाक से कि पार्किंग नहीं लगाते, कार लेकर नहीं आते, स्कूटर लेकर नहीं आते, तो अगर ये फॉर्जरी वाकई में हो रहा है तो पता नहीं कब तक चलता रहता है। ये तो चल ही रहा है 2 साल से, ये तो जो पुराने विधायक साहब, वो पार्षद साहब थे, ये तो उनके टाइम से चल ही रहा है, इसे तो 2 साल करीबन हो गए हैं। ये क्यों नहीं हाईलाइट हुआ अभी तक? हमारे जीतने के 3 महीने के अंदर हमने कैसे हाईलाइट कर दिया इसको? 2 साल से ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा था? शिवलीप साहब, एक बात आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि हर पोल पे कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल लिखी हुई है, और अभय सिंह नाम का कोई कॉन्ट्रैक्टर का है, उसका एक लाइसेंस नंबर है, उसके 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। आप सब तमाम मीडिया के लोगों से अपील है मेरी कि उन दोनों मोबाइल पे फ़ोन करिएगा, जो उठाता है कोई चंदन कुमार करके उठाता है, और वो ये कहता है कि मेरा पार्किंग से कोई लेना देना नहीं है, मेरे नाम कोई ठेका नहीं है। अगर अभय सिंह का ठेका है
तो डिटेल, क्योंकि एमसीटी की बाई लॉ गाइडलाइंस में ये है कि जो भी ठेकेदार होगा उसकी टोटल डिटेल जो है वो बोर्डों पे लिखी होगी, लेकिन नंबर किसी और के दे रखे हैं, एड्रेस कहीं का दे रखा है, एड्रेस नोएडा का दे रखा है, जिससे उगाई करने वालों ने बात करवाई वो गोविंदपुरी में रहता है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक नेक्सस चल रहा है कि कोई आदमी कहीं रहता है, कोई आदमी कहीं रहता है, किसी का मोबाइल नंबर है, किसी का हो सकता है कि ये जो लाइसेंस नंबर दे रखा हो ये लाइसेंस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर का हो या कहीं और का नंबर हो, है ना, और वो यहाँ लिख रखा हो। इसका प्लीज़ आप डिटेल में जाएंगे, आप उन नंबर पे ज़रूर फ़ोन करेंगे और वो नंबर ज़रूर हाईलाइट करेंगे जो यहाँ शो करता है कि जिसकी ये पार्किंग है। पता नहीं ये पार्किंग इलीगल है या इलीगल नहीं है, लेकिन कौंसलर अरीबा और उनके फादर आसिम मोहम्मद खान हमेशा की तरह वाजिद खान और अहमदुल्ला खान को घेर रहे हैं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये वाजिद खान की भी जिम्मेदारी है, अहमदुल्ला खान की भी जिम्मेदारी है कि वो मीडिया के सामने आकर या खुद ही लाइव करें, जैसे करना चाहें वो करके बताएं कि ये पार्किंग लीगल है या इलीगल, और अगर इलीगल है तो उन दोनों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें है या नहीं है।